सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है तो फिर बागलते हैं एल्विस यादव एंड रजत दलाल वर्सेस एजाज खान के बारे में। तो आपको बताओ, एजाज खान रिसेंट टाइम में काफी सारे वीडियोस वगैरह बना चुके हैं एल्विस यादव के अगेंस्ट में, कटारिया के अगेंस्ट में और भी कई सारे यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में। वो बेसिकली बता रहे थे एल्विस यादव, कटारिया एंड और भी कुछ यूट्यूबर्स को कि कभी ना कभी तो मुंबई आएंगे तब मैं उनसे सॉरी बुलवाऊंगा, अगर नहीं भी आएंगे तब भी एनसीआर में हमारे बहुत सारे पठान भाई है, ऐसा कुछ वो बताए थे, आपको पता होगा। रिसेंटली रजत दलाल ने भी कैरी मिनाटी के सपोर्ट में वीडियो अपलोड किया एंड ऑल्सो एजाज खान को वार्निंग दिया था। अभी एल्विस यादव एक वीडियो अपलोड किए रजत दलाल के साथ जहाँ पे वो बताया कि वो अभी मुंबई में एंड वो ओपन चैलेंज दिए एजाज खान को। एल्विस यादव एंड रजत दलाल क्या कहते हैं आप खुद देखिए। ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारे से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे, दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे और कहाँ पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई साहब। पकड़ ले भाई, पकड़ लो, बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ज्यादा क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है। तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो। इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, व्लॉग में लोकेशन हम डालते हैं, हर जगह लोकेशन हम डालते हैं, भाई को कांटेक्ट भी कर ले, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बन के रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ। लोगों को बांटना, लोगों को प्रोवोक करना छोड़ दो भाई, ये लास्ट वीडियो हमारी इसके ऊपर नहीं आई, इसके बाद कुछ भी हमारी तरफ से खत्म मैसेज कर लेना भाई साहब, आपकी जगह पे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन, सी यू मैन। इतना व्यवहार रखो पहले मिलने लायक। और वो जो बोल रहे थे ना रजरत मेरे नाम से, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नाम से मेरे मुंह से स्लिप होने लग गई अब ये चीज। जो आप बोल रहे थे ना रजत दलाल के नाम में दलाल आता है तो रजत के पीछे ना जाट भी आता है। और गैल राव साहब भी खड़े हैं, 36 बिरादरी खड़ी है पूरी। ठीक है, थोड़ा हिसाब से रहो, इन चीजों को तोड़ने के हिसाब से मत करो, ख्याल रखो अपना। अच्छा, आपको पता होगा राजवीर सिसोदिया भी ओपन चैलेंज दिए थे एजाज खान को कि मुझसे सॉरी बुलवा के दिखा, एंड सॉरी अगर मैंने मांग लिया तो मान जाना कि सारे यूट्यूबर्स ने सॉरी मांग लिया। तो अभी जैसे एल्विस यादव एंड रजत दलाल पहुंचे मुंबई एंड उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया चैलेंज करते हुए एजाज खान को, इसके बाद राजवीर सिसोदिया एक वीडियो अपलोड किए आप देखिए। और अपन जंगल के शेर है। हाँ भाई, जंगल के शेर कहाँ कड़वरवा था, घूम रहा जंगल में, तेरे दो दो अब्बू पहुंच चुके हैं मुंबई, उनसे मंगवा आप सॉरी। दूसरी बात, आधे भाई मुझे कह रहे भाई तुम मुंबई क्यों नहीं गए, भाई इसने रजत का नाम लिया, एल्विस का लिया, कटारिया का लिया, मेरा नाम नहीं लिया एक बार भी। अब बात यह है कि मैं तो इसकी पूरी फील्डिंग सेट करके बैठा हूं। ये इसको मैंने चैलेंज दिया हुआ कि मेरा नाम ले दे बस एक बार, ये नाम लेगा और मैं हाथ चढ़ा दूंगा। बात यह है एक रुपए का आदमी 1,00,000 रुपए इस पर खर्च हो जाएंगे, कहां कहां मुंबई आना जाना, 5 स्टार में रहना खाना। नाम इसने मेरा लिया नहीं, जाके मैं इसे पकड़ूंगा, ए भाई ये तू मेरी जानू है, तू मेरा जान है भाई, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, तेरे को नहीं बोला, तो मैं इसलिए नहीं गया कि इसने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया है। Also guys, अभी थोड़ी देर पहले एजाज खान एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पे वो रिप्लाई दिए एल्विस यादव एंड रजत दलाल को, वो क्या कहे आप देखिए। वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बम्बई आए हुए, बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बम्बई किधर है और एड्रेस किधर है, अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहाँ भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी, वन मैन आर्मी हूँ मैं, भेद लोकेशन किधर है तू। Also guys, एक दिन पहले मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि अदनान 07 के दोस्तों ने एल्विस यादव को रिप्लाई दिया था अदनान 07 को पोक करने की वजह से। तो अदनान 07 के दोस्तों ने जो रिप्लाई दिया उसका रिप्लाई एल्विस यादव दे दिए, वो क्या कहे आप देखिए। कुछ ना रखा है, गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाने से साढ़े बाहर खड़े होकर बनाने करो, कहीं बाहर पीछे व्यू वगैरह तो आएगा। वीडियो बनाते हुए मां कहते इतनी हंसी आ रही है मुझे यार। जिम्मी का दोस्त है फैज बलोच, अगर दोस्त का दोस्त है तो हमारा भी देखो, दोस्ती करने का कोई फायदा तो है नहीं, समझ रहे हो। टीम 0000 जितनी भी हो तुम 0, ठीक है। कटारिया नाती कह दी थी, कटारिया कोई 00 नहीं, और हम भी कह रहे भाई कोई 00 ना, ठीक है। हमारे हमारे पहले 00 ना लगा, हमारे बाद में 00 लगे, समझ आई, समझ जाना ना समझ आई, ठीक भाई है, राम राम। मम्मी से मिलवाता पर कोई बात ना, ब्लॉग लंबा हो गया है, ठीक है बाय। आगे से वीडियो बनाना तो और गलत गलत बोलना, ताकि हम भी और गलत गलत बोल सकें, कूल, चल डील बाय। Also guys, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बिग बॉस OTT सीजन 3 के इस वीकेंड का वार में एल्विस यादव एंड मिस्टर फैजू जाने वाले हैं, क्योंकि एल्विस यादव भी मुंबई में भी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एल्विस यादव बिग बॉस OTT सीजन 3 में जाए नॉट एज ए कॉन्टेस्टेंट, एंड मिस्टर फैजू भी जाए। मिस्टर फैजू एंड अदनान 07 दोस्त है, एंड एल्विस यादव एंड लव कटारिया दोस्त है, तो मे बी स्टेज में ही एल्विस यादव एंड मिस्टर फैजू का कुछ डिबेट वगैरह हो जाए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। Also आपको पता होगा एल्विस यादव वर्सेस ध्रुव राठी का कॉन्ट्रोवर्सी, ध्रुव राठी ने एल्विस यादव के ऊपर
वीडियो निकाला था जिसका अभी तक एलविश यादव ने रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि वो लंदन गए थे घूमने। तो फाइनली अब वो इंडिया वापस आ चुके हैं। तो वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो एक जर्मन शेफर्ड का इमोजी है, लोकेशन उन्होंने दिया हुआ है इंडिया। फिर वो लिखते हैं बैक टू द गेम वीडियो सून। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर सकते, वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित के बारे में। तो आपको पता होगा चंद्रिका दीक्षित बिग बॉस के घर से एविक्ट हो चुकी है। रिसेंटली कैरमिनाटी जो वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, वहीं पे उन्होंने चंद्रिका दीक्षित को भी रोस्ट किया है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा। तो चंद्रिका दीक्षित ने कैरमिनाटी को रिप्लाई दिया, वो क्या कही आप देखिए। पर ये स्टोरी स्पेशली एक ही इंसान के लिए, कैरी जी के लिए। कैरी मिनाटी ने मुझे रोज किया है बिग बॉस के निकलने के बाद, तो मैं अपना स्टैंडर्ड लेवल यहाँ फील कर रही हूँ। मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं हुई है सारी चीजें, बट अगर कैरी भाई ने मुझे गाली दी है तो थोड़ा सा तकलीफ है कि एक अच्छे घर का लड़का, एक अच्छे घर का मर्द किसी को गाली कैसे दे सकता है। तो शायद मैं चाहूंगी कि उनसे 1-to-1 बैठ के बातें करें और अच्छे से मैं रोज मुझे कर सकते हैं, बट विदाउट गाली। थैंक यू सो मच। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बन गए ट्विटर पर द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर। तो इलॉन मस्क प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कांग्रेचुलेट करते हुए ट्वीट किए, कांग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बीइंग द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, रोहन करियप्पा के बारे में। तो इनके एंड इनके दोस्त एंड मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नेशनल एसोसिएशन ऑफ डीफ ने 3 अलग अलग सिटीज में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी। क्यों? रोहन करियप्पा ने उनके एक दोस्त एक वीडियो पोस्ट किए थे, पहले आप देखिए। और ऑपोजिशन हमसे सवाल कर रही है कि हमने आपके लिए किया क्या है। अरे हमने आपके लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रही हुई? सर काम करने का यही होता है सर एक्शन। तू साइलेंट हो जाता है? हाँ सर मैं सिलेबस में था सर, मैं प्रोफेशनल हूँ सर, आता है, आप बोलिए ना आगे। तो हमारा प्लान आपकी लोकेलिटी के लिए है कि हम यहाँ पे एक पार्क बनवाए जहाँ पर बच्चे आके झूला झूलते रहे, झूलते रहे, झूलते रहे। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? सर पकड़ के झूलने का यही साइन लैंग्वेज होता है सर। मैंने कुछ नहीं पता, बकवास कर रहे हो तुम। सर साइन लैंग्वेज नहीं आती, क्या बोल रहा है? देखा आपको भी आई नहीं समझ में, आप तो भैरे भी नहीं है, तो सोचो भैरों को कितनी क्लियरली समझ आ रही होगी। तुम बदतमीजी मत करो, इम्प्रोवाइज मत करो, जितना बोला जा रहा है उतना करो तुम। ठीक है सर करता हूँ, आप आगे बोलिए। तो हमारा प्लान आपके जिले के लिए ये है कि आपका जिला भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। समझ नहीं पा रहा हूँ सर, क्या हो गया सर? चाइनीज में बात कर रहे हैं सर? चाइनीज है, समझ नहीं पा रहा, साइन लैंग्वेज करके बता दीजिए सर। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए रोहन करियप्पा एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। कैसे दोस्तों, अगर एक मिनट का टाइम है तो स्टोरी देखो, मस्त लफड़े के बारे में आपको न्यूज बताने वाला। तो मैंने लास्ट एक कुछ 2 दिन पहले शायद वो डेफ इंटरप्रेटर पे एक वीडियो डाली थी, ठीक है, नॉर्मल वीडियो थी। डेफ इंटरप्रेटर अगर दिल्ली में होता तो कैसा होता, बिकॉज दिल्ली के लोग गाली देते। लाइफ में ही कभी नहीं सोचा था कि उस वीडियो से कोई ऑफेंड हो जाएगा। अब आई थिंक कल शाम को डेफ कम्युनिटी के हाथ में वो वीडियो लग गई, उन्होंने डिसाइड किया अब ये तो बहुत ऑफेंसिव है। तो कल रात के 10 बजे से आज सुबह 10 बजे तक 5000 हेट कमेंट्स उस वीडियो पे थे, और डीएम्स और स्टोरी मेंशन तो अलग। और उसी के साथ साथ दोस्तों हम पे पुलिस कंप्लेंट भी हो चुकी है, जिसपे मेरा और शायन का नाम तो है ही, साथ ही साथ मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम है। तो आई थिंक कंपनी तो ठीक है जेल में। देखिए उन हेट कमेंट्स पे वॉम्प वॉम्प क्राई अबाउट इट लिखने का मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन मेरे को लगा पंगे क्यों आगे बढ़ाने, इसलिए लास्ट की दोनों वीडियोज हमने आर्काइव कर ली है। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं बुली हूंगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डेफ और म्यूट कम्युनिटी वाले लोग मुझे बुली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, तहलका प्रैंक यानी सनी आर्या के बारे में। तो सनी आर्या सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट की है। रिसेंटली क्या हुआ, हीलियम बैलून उनके हाथ में फट जाता है, जिसकी वजह से उनका हाथ पूरी तरीके से जल जाता है। वो अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। वो एक वीडियो पोस्ट के ना रिक्वेस्ट करते हुए पेरेंट्स को, आप देखिए। आपको पता ही है कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना घटी। आज की वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, बहुत बड़ा इसके अंदर आपको मैसेज दे रहा हूँ। आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे उनके साथ ऐसा ना हो। आप सबके प्यार से आशीर्वाद से हाथ मेरा बिल्कुल अभी ठीक है। ये लोग मार्केट में आप देखते हो बच्चे पसंद करते हैं बैलून, वो भी डोरेमोन के, स्पाइडरमैन के, बैटमैन के, उड़ने वाले। मत लेके दो भाई, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, ये घटना दोबारा हो सकती है। रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जनता से, घर में बच्चा लेकर आएगा, घर में कहीं आग जल रही होगी, गैस के पास चला जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे साथ जो घटना घटी है मैं नहीं जाता किसी और के साथ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, उत्तर प्रदेश शामली डिस्ट्रिक्ट के 3 पुलिस वालों के बारे में। तो इनका एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे दिखता है इमरजेंसी हेल्पलाइन ऑफिस में एक इंस्पेक्टर संजीव कुमार एंड 2 हेड कांस्टेबल्स अनुज कुमार एंड अश्वनी कुमार ऑफिस में ही अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ इस मैटर में एंड तीनों ही पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, शाहरुख खान का अपकमिंग मूवी किंग के बारे में, जिसमें शाहरुख खान की डॉटर भी होंगी सुहाना खान। एंड पता है उस मूवी में विलन का रोल कौन प्ले करने वाले, वो है अभिषेक बच्चन। एंड ये बात
अमिताभ बच्चन जी खुद कंफर्म किए। एक जन एक ट्वीट किया था इससे रिलेटेड जहाँ पे लिखा हुआ है शाहरुख खान टू बैटल अगेंस्ट अभिषेक बच्चन इन सिद्धार्थ आनंद एंड सुजय घोष इज किंग। तो उसी को रीट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन लिखते हैं ऑल द बेस्ट अभिषेक इट इज टाइम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा एक स्कैम से सबको अवेयर किए। क्या स्कैम, आप खुद पूरव झा के इंस्टाग्राम स्टोरीज देखिए समझ जाओगे। भाई नया स्कैम चालू हो चुका है मार्केट में, ये तुम्हें कॉल करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और ये सब इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक करते हो और हम तुम्हें फोन और वॉच भेजना चाहते हैं। अब ये देखो कॉल आया जम इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ये पता नहीं कोई होगा, इसके इधर से कॉल आया, इसने बोला एड्रेस भेजो, इस हमारे भाई ने एड्रेस भेज दिया मुंबई का, गुड़गांव में बैठ के पता नहीं मुंबई, नाम तेरा असलम है। और ये देखो उन्होंने फिर क्या भेजा वॉइस नोट, सर मैं अभी आपके पार्सल का वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के भेज रहा हूँ, 2-3 मिनट वेट करें आप। 2-3 मिनट उसके बाद पार्सल की वीडियो। ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका सारा सामान पड़ा हुआ जो छोटे भाई बड़े भाई की तरफ से आया। ये आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये स्मार्ट अल्ट्रा वॉच है आपकी, और ये ईयरबड्स है आपके, ठीक है। ये इसके ऊपर एयरपोर्ट चार्जेस आ रहा है, वो है 4000 कस्टम का चार्ज है, ये हमें कंप्लीट करना है और हमें मिल जाएगा ये, ठीक है भाई। मंगवाते हैं बोलते हैं, एक काम कर, ये जितना सामान है ना इसको आग लगा और अपनी डाल ले, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।